जनपद संभल के थाना बहजोई क्षेत्रांतर्गत पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। शुक्रवार को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 15,000 रुपये के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से लूटी हुई एक मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा व कुछ कारतूस भी बरामद किए हैं। बदमाश से हुई मुठभेड़ में पुलिस के एक सिपाही को भी गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। बदमाश से पुलिस की हुई मुठभेड़ की सूचना पर जनपद के पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद मौके पर पहुंच गए और घटना की जानकारी ली। घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया, मुठभेड़ हुई है, क्या है मामला? एक योगेंद्र नाम का व्यक्ति है, ये अपने शादी में जा रहा था। इसके साथ दो व्यक्तियों ने मोटरसाइकिल की छिनैती कर ली। उसकी जब DCR को सूचना मिली तो घेराबंदी किया गया। इसमें ये जो डिडोली रोड है, यहाँ पे रोक करके ये लोग लूटपाट कर रहे थे, वहीं पर घेराबंदी की गई। उसी में एक अपराधी है अल्ताफ, उसको गोली लगी, और हमारा एक साथी है अमित, उसको घायल हुआ है। इन दोनों को हॉस्पिटल भेजा गया है। जब इसके बारे में क्रिमिनल हिस्ट्री पता की गई तो पता चला कि ये पूर्व में भी इस तरीके से वारदात किया है। पुलिस मुजामत में भी वांछित रहा, और 15,000 का इनामिया बहजोई से ही 15,000 का इनामिया अपराधी है, और इस लगातार इस क्षेत्र में दहशत बनाए हुए था। अभी ये पकड़ा गया है, बाकी विधिक कार्रवाई की जा रही है। हमारे YouTube चैनल पंचायत वार्ता को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही पंचायत वार्ता की नई अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।